हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पैक्ट सेंटर में। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। अब ये और दो क्वेश्चन बचा है 10 और 11। इससे पहले हमने 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन कम्प्लीट किया है और उससे भी पहले हमने त्रिकोणमिति के लिए कुछ फॉर्मूला, कुछ टेबल याद करने के ट्रिक्स बताए हैं। वो अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि अगर वो देख लेते हैं तो आपको ये बहुत ज्यादा समझ आएगा। ऐसा नहीं है कि ये समझ नहीं आएगा, बट अगर आप वो देख ले रहे हैं तो आपको ये बहुत ज्यादा समझ आएगा। तो आप पहले उसको देख लीजिए ताकि आपको ये समझने में कोई तकलीफ ना हो। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि त्रिभुज है पी क्यू आर। सपोज एक त्रिभुज बना लेते हैं इस तरीके का पी क्यू आर, और कहा है कि इस पी क्यू आर में जो क्यू है संपूर्ण है। संपूर्ण का मतलब आपको पता है, या फिर नहीं पता होगा तो आप मेरे पीछे की वीडियो में देख सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। अब इसमें ये बोला है कि जो क्यू है वो 90 डिग्री का है, यानी कि जो क्यू है वो 90 डिग्री का है, यानी कि समकोण है। तो बचा ये पी और ये जो बचा वो आर, यानी कि पी क्यू आर इस तरीके का हो गया। ये बोला है 90 डिग्री का है, और ये भी बोला गया है कि पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू इज इक्वल टू जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ऐसे स्थिति में साइन पी कॉमा कॉस पी एंड टेन पी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं। बस क्या करना है, हमें पता है कि जो पी क्यू है ये पी क्यू ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें एक और बात ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो एक भुजा तो दिया गया, कम से कम और दो की भुजा की लेंथ निकालना होता है, और ऐसे भी तीन भुजा होती है, और तीनों भुजा की अगर हम लेंथ निकाल लें तो हम आसानी से किसी भी त्रिकोणमिति रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। तो ऐसे में एक दिया है और हमें दो निकालना है, तो दो कैसे निकाले ये हमें जानना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 लिखा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि पहले पाइथागोरस त्रिक लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या करते हैं पाइथागोरस प्रमेय, इसका स्क्वायर यानी करते हैं ना, यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या करता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो पी आर का स्क्वायर है वह ये पी आर का स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर के बराबर होता है। ये बात आपको पता होगा, ये बात आपको पता है। अगर नहीं पता है तो आप पीछे की वीडियोस देख सकते हैं जिसमें हमें ये बताया है ये कैसे होता है। अब हमें क्या करना है कि हम इसको ऐसा भी तो कर सकते हैं, हम इसे एक मिनट दोस्त कहां पर क्वेश्चन गड़बड़ी हुआ, पी आर सॉरी यहाँ पर पी आर लिखा गया है, ये पी आर लिखा गया है, सॉरी थोड़ा क्वेश्चन गलती हो गया, ये पी आर लिखा है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस पी आर के वैल्यू को हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं ना, चूंकि पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, आसानी से कर सकते हैं। कैसे, वो ये कि पी आर को यही के यही छोड़ दिया और 25 लिख दिया, अगर प्लस में तो इस तरफ आकर के माइनस में हो गया, इतना क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इस पी आर के मान को यहाँ पर रख देते हैं, यानी 25 माइनस क्यू आर, और स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर दिया, और बाकी के पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर है तो क्यू आर स्क्वायर कर दिया, इतना क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, और अब हम क्या करते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, आसानी से हम उस फॉर्मूला को लगाएंगे और आसानी से इसको सोल्यूशन कर लेते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए और बी, सिंपल ये ए है और ये बी है, और इक्वल टू देखिए पी क्यू, पी क्यू की वैल्यू दे गई है, कितना दिया गया है 5, और 5 इसका क्या करना है स्क्वायर करना है प्लस क्यू आर स्क्वायर, इतना क्लियर है। अब हम क्या कर लेते हैं, और 25 का स्क्वायर करिएगा तो 625 और क्यू आर स्क्वायर का करिएगा तो इतना ही हमें मिलेगा, इतना क्लियर है। अब 25 दूनी 50 होता है, और ये क्यू आर इक्वल टू 5 का स्क्वायर करिएगा तो 25, और ये क्यू आर स्क्वायर हो गया कि प्लस क्यू आर स्क्वायर, इधर देखिए इस तरफ भी क्यू आर स्क्वायर है प्लस में है, इस तरफ भी क्यू आर स्क्वायर है प्लस में है, तो दोनों के दोनों कट जाएगा, यानी कि ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये कैंसिल होने के बाद ध्यान से देखिएगा क्या बचा, ये 625 इधर प्लस में है तो इस तरफ आएगा माइनस में,
यानी 625 माइनस 25 इज इक्वल टू, और ये उस तरफ जाएगा तो माइनस में, इस तरफ जाएगा तो किस चीज में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, सिंपल। अब 625 में 25 जब घटाएंगे तो 600 बचेगा, और ये 50 क्यू आर, अब हम यहां से क्यू आर निकाल सकते हैं आसानी से, इसलिए लिखेंगे क्यू आर इज इक्वल टू 600 बटा 50, जब कटाएंगे एक जीरो से एक जीरो कटेगा और 12 पचे 60, यानी इसलिए क्यू आर कितना हमें मिल गया, क्यू आर हमें 12 सेंटीमीटर मिल गया, यानी कि जो ये क्यू आर है इसका जो लेंथ हमें मिला वो 12 सेंटीमीटर मिल गया। अब हम क्या करते हैं ना, इसको समीकरण वन मान लेते हैं, तो यहां पर अगर हम क्यू आर की वैल्यू को रखेंगे तो यहां से हमारा ये पी आर का भी मान मिल जाएगा। तो अब हम लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से क्या था, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर था, और ये समीकरण वन था, और यहां पर हमने थोड़ी देर पहले क्यू आर की वैल्यू निकाला है वो 12 सेंटीमीटर आया है, तो अब हम लिखेंगे इसलिए पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर है, घटेगा तो कितना आएगा 13 सेंटीमीटर, यानी यहां से हमने ये वाला भी निकाल लिया। तो जब ये वाला तीनों पता चल गया तो हम आसानी से साइन पी कॉस पी और टैन पी के वैल्यू को निकाल सकते हैं, यानी ये वाला, और हमें पता है थीटा के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, और जो बचता है उसको आधार, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। तो लिखेंगे अब ये साइन पी हमें निकालना है, तो साइन पी इज इक्वल टू, पहले तो हमें पता होना चाहिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब कौन होगा, ये थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगा, इसलिए क्या करेंगे क्यू आर बटा पी आर, ये लंब है और ये कर्ण है, और क्यू आर की वैल्यू कितनी है 12, पी आर की वैल्यू कितनी है 13, तो हमें साइन पी कितना मिल गया 12/13। उसके बाद क्या निकालना है, कॉस पी निकालना है, सिंपल कॉस पी इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार क्या हो जाएगा ये वाला पी क्यू, और कर्ण तो चेंज होगा नहीं, यानी कि पी आर ही रहेगा। अब हम वैल्यू रख देते हैं, पी क्यू इज इक्वल टू कितना है 5 सेंटीमीटर है, और पी आर, पी आर देख लीजिए यहाँ पर 13 है, तो ये हमारा कॉस पी भी निकल गया, एक लास्ट बच रहा है टेन पी, एंड टेन पी इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब, यानी क्यू आर लंब हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा ये पी आर क्यू हो जाएगा। अब हमें क्यू आर की वैल्यू को रखना है, क्यू आर की मान कितना दिया गया है 12 दिया गया है, PQ कितना है 5 है, तो इस तरीके से हमने साइन पी कॉस पी टैन पी आसानी से निकाल लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, 11 नंबर क्वेश्चन से हमें बहुत कुछ सीखना है, 11 नंबर क्वेश्चन बस एक लाइन का है लेकिन सिखाने वाला जो है ना बहुत ज्यादा इसमें सिखाता है। 11 नंबर का पहला जो क्वेश्चन है, 11 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नॉलेजेबल क्वेश्चन है अगर बोले तो, क्या है, पहला है कि टैन ए का मान सदैव एक से कम होता है, तो याद होगा आपको हमने टेबल दिया है, टेबल लिखवाया है, टेबल याद करने की ट्रिक्स भी बताया है पार्ट टू में, अगर नहीं देखे हैं तो पार्ट टू जाकर के देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिए हैं। अगर आप देखिएगा उस टेबल में तो पाइएगा कि जीरो ऐसी कुछ करके वैल्यू आता है, और एक बार एक आता है, और एक लास्ट बार अनडिफाइंड आता है, तो आप सोचिए कि क्या हमेशा टेन ए का मान एक से कम होता है, नहीं होता है, यानी क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो एक आता है ना, और सदैव बोल रहा है ये किताब जो बोल रहे हैं वो उन्होंने बोला है कि सदैव एक से कम होता है, जो कभी संभव नहीं है, तो क्या लिखेंगे असत्य है, असत्य है लिखेंगे। अब हम क्या कर लेते हैं, अब देखिए दूसरा में बोला है, दूसरा में बोला है आपसे कि सेकेंड नंबर में बोला है कि कोण ए के किसी मान के लिए sec a इज इक्वल टू 12/5, ये देखिए ऐसे समझिए ना, sec इज इक्वल टू क्या होता है कर्ण बटे आधार होता है, तो सिंपल सी बात है, तो कर्ण बटे आधार, आधार से बड़ा क्या होता है कर्ण होता है, हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है कर्ण होती है, ऐसे में कर्ण की वैल्यू मैक्सिमम है, ऐसे में क्या होगा सत्य है, कारण समझ रहे हैं ना, क्या देना होगा आसानी से दे सकते हैं आप। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड नंबर में क्या बोला है, थर्ड नंबर में बोला है कि कॉस ए कोण ए के कॉस सेट के लिए संक्षिप्त रूप है, तो हम कह सकते हैं नहीं, क्यों,
क्योंकि आप अगर देखिएगा तो पाइएगा कि जो कॉस सेकेंड है वो लिखा गया है वो साइन का उल्टा, मतलब एक कॉस का उल्टा, ये जो लिखा गया वो साइन का एक मतलब संक्षिप्त रूप है, ना कि यहाँ पर कॉस का ही संक्षिप्त रूप नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे कि यह भी असत्य है। क्वेश्चन नंबर चार देख लेते हैं। चार में बोला है कि कॉट ए और कॉट, ऐसे बोला है कि कॉट ए जो है कि कॉट गुना ए होता है तो कभी संभव नहीं है, क्यों, क्योंकि ए जो है तो वो तो थीटा बताता है तो गुणनफल कैसे होगा, नहीं ना, तो हम क्या लिखेंगे असत्य है। क्लियर है इतना। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फाइव। फाइव नंबर में है कि किसी भी थीटा के लिए, किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू चार बटा तीन, ध्यान समझिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब कितना है चार है, कर्ण कितना है तीन है, तो सोचिए ना कि किसी भी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। अब बड़ी भुजा है तो उसकी लेंथ भी बड़ी होगी, तो क्या कभी संभव है कि कर्ण की लेंथ लंब से कम हो, यानी इससे या फिर इससे कम हो, कभी संभव है, नहीं। तो यहाँ को यही बोला है कि दे दिया गया लेकिन संभव नहीं है, तो हम क्या कहेंगे असत्य है। तो इस तरीके से हमने क्लास टेंथ का एक्सरसाइज 8.1 का पूरी तरीके से कंप्लीट क्वेश्चन कर लिया डीपली। और एक और बात करना है कि आज हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो उन्होंने रात 9 बजे से लेकर के 9 मिनट तक मोमबत्ती बनाने के लिए किया है कहे, और जो कि हमारे आप समझ ही रहे हैं कि हमारा जो देश है कितने महामारी के अंदर गुजर रहा है, तो ऐसे में आप उनका सहायता कर लीजिए। और ये अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर लाइक और कमेंट जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।